राम जी, तो थंबनेल देखकर आप चौंक गए होंगे कि दिवाली, अभी तो दिवाली में बहुत दिन है, दिवाली की कैसी तैयारी। पर अगस्त खत्म हो गया है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में दिवाली है ही, तो जो भी आपको रिनोवेशन कार्य वगैरह अपने घर में कराना है, डेंटिंग पेंटिंग, वो आप शुरू कर दीजिए, जिससे दिवाली से कम 15-20 दिन आप अपने लिए निकाल सकें। आप शॉपिंग करें, अपने क्लोथ्स वगैरह डिसाइड करें, या कुछ भी अपने घर के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। तो हमने तो अपना काम ये शुरू कर दिया है, जो भी थोड़ा बहुत हमें काम रेनोवेशन का कराना है वो हमारा स्टार्ट हो गया है, कुछ काम खत्म हो गया है और कुछ काम चल रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम अपने पिछले सभी ब्लॉग में हमने जिक्र किया था कि हमारे घर में काम चल रहा है, हमारी छत पे काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा हम डिस्टर्ब है। क्या काम कराया हमने, क्या काम चल रहा है, तो वो आपको इस ब्लॉग में हम सिखाते हैं। ये आरिफ है, इसने बनाया ये परगोला। आरिफ सर देखो, अगर किसी को भी इस तरह का डिज़ाइन अपने यहाँ बनाना है आसपास, तो हमें कॉल कर सकते हैं, हम आरिफ का नंबर आपको प्रोवाइड करा देंगे। कर दोगे काम? अच्छा, एक ही कलर अच्छा लगता ना इसमें। जो डिज़ाइन दिखाया था मैं आरिफ को ऐसे बना दिया। आओ पसंद करो, ऊपर आ जाओ, पसंद करो। अभी इंस्पेक्शन करने के लिए आई है, फाइनल इंस्पेक्शन चल रहा है। हाँ जी बताओ, कुछ कमी वमी है तो भी बता दो। फाइनल इंस्पेक्शन हो रहा है। टेंशन में मत आओ, झूले में बैठ के टेस्ट करा दो ना, झूले के कलर लग जाएगा, मजबूती पता चल जाएगी ना। मैं तो बैठ लिया था, ये निकल रहा है इसमें से, ये कुंडा नहीं निकलने का, अब मोड़ दिया ना, ये चारों ही मोड़ दिए मैंने। ये कुंडे ऐसे लग सकते थे, भारी वाले? ये भारी वाले तो हैं नहीं, ये तो ये भारी है, ये हल्के हैं। तो नहीं कोई नहीं, ये हल्के हैं, ये चार है ना असल में, ये दो दो होंगे, ये ऐसे ही हल्के लगते हैं। कौन से? नहीं नहीं वो भारी है, वो तो बहुत ज्यादा भारी है। तो ये टूट गए तो तुम्हें ठीक करने पड़ेंगे। बिल्कुल भैया, ठीक है, बात कर रहे हो आप, टूटने पहली बात तो इधर जाएंगे, नहीं गारंटी है हमारी। अब इस पर शीट और लगेगी जिससे ये ऊपर से कवर हो जाए। अभी प्लांट्स के स्टैंड भी बना दिए यहाँ पर बहुत सारे, और अब हमारा टेरेस गार्डन शुरू हो जाएगा। ये देखो क्या उसमें, देखो क्या उधर भी, इस वाले में, इसमें भी आगे भी और उससे आगे भी। हाँ ये कमी है, वही मारता है ये। तो ये सब देख लो ना तुम, चेक करके अब चेक करो ना, मैं आगे देखो ना, अब देखो मेरी निगाह गई औरों की भी जाएगी। जी जी, कहाँ पे ये तीनों के सामने देखो, ये अलग नहीं दिख रहा, सूरज की रोशनी से भी दिख रहा है, वो तो सूरज की रोशनी पड़ रही है, यहाँ से हट रहा है, वो सूरज की रोशनी पड़ती है। हाँ भी और चेक कर लो, ब्लैक फीट हो रहा है। तो इधर ये गमले रखने के स्टैंड बन गए हैं, और जब गमले रखेंगे इनमें गार्डनिंग करेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। ये थोड़ा मैं प्राइवेसी के लिए बनवाया है, जो हमारे नेबर्स वगैरह बैठ जाए अपनी छत पे तो हमें कोई दिक्कत ना हो। ये जो हमारे पड़ोस का मकान है ये भी सेल हो चुका है, अभी कुछ लोग आए नहीं यहाँ पे, हमें पता नहीं है कौन आएगा, तो इसलिए मैं इधर से भी इसको कवर करा दिया है।
दीवार तो अभी हो नहीं सकती थी क्योंकि 4 इंच की दीवार वगैरह बता रहे हैं कि झेल नहीं पाएगी, इसलिए ये कवर हो गई है। अब थोड़ा सिक्योरिटी और प्राइवेसी दोनों मेंटेन हो सकती है। और ये हमारा टाइनी हाउस है, ये हमारे फ्लैट की छत पर भी था लेकिन हम इसको अपने साथ यहाँ पे भी ले आए हैं। ये हुक वगैरह से एडजस्ट है और अंदर जाने की हिम्मत अभी मेरी नहीं है इसमें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, क्योंकि घर में काम चल रहा है तो घर का सारा सामान इसमें रखा हुआ है ऐसे ही। अब हम इसको मेंटेन करेंगे। चलिए एक बार आपको दिखाई देते हैं, काफ़ी बड़ा है अंदर से। ओह माय गॉड, काफ़ी हजल पजल हो रखी है यहाँ पे। ये देखिए कितना सामान आ रहा है, सारे कपड़े धो धो के यहीं पे रखे हुए हैं क्योंकि नीचे तो धूल दूषित वातावरण हो रखा है, तो इसलिए हम अभी इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ये कमरा हमारा सर्दियों में बहुत ही अच्छा यूज़फुल है, यहाँ पे आके बैठ जाओ, कपड़े सुखा दो, बहुत अच्छी हीट महसूस होती है। लेकिन गर्मियों में ये किसी काम का नहीं है, केवल कपड़े सुखाने के अलावा। और बरसात में तो हमें कपड़े सुखाने की कोई भी दिक्कत नहीं होती, इसकी वजह से हम सारे कपड़े यहाँ पे, हमने ये रस्सियाँ बांध रखी हैं और ज़रूरत के हिसाब से हम रस्सियाँ और भी बांध लेते हैं और यहाँ पे कपड़े सुखा देते हैं अपने, तो बरसात में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती और कपड़े बहुत अच्छे से सूख जाते हैं। हमारा छत का ये स्पेस भी खाली पड़ा हुआ था, इसको भी हमने यूज में ले लिया है। और यहाँ पर एक ये सामान रखने के लिए स्टोर रूम टाइप का बना दिया है, थोड़ा सा काम अभी पेंडिंग है इसमें। नैना पूछ रही है गेट बनवाया, गेट के घुसेगा नहीं बंदर यहाँ वगैरह, सामान कैसे रखेंगे, खुल क्यों नहीं रहा, आर्य को बुलाना। कुछ प्रॉब्लम हो गई है इसके गेट में, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। शायद ये शिट लगने से अकड़ गया है। बुला के चलाओ। एक मिनट जा, हटिया। अरे तोड़ मत देना। ये नैना ने हमें पागल बना दिया है। गेट खुलेगा अंदर को और हम उसको बाहर से ट्राई कर रहे थे, अच्छा हमने फोर्स नहीं लगाया। ये देखिए काफी अच्छा ये एक स्टोर टाइप बन चुका है, चारों तरफ से कवर है और बारिश भी इस पे होके गुजर गई है, इसके अंदर कोई पानी नहीं आया है। और इसको भी हम अच्छे से मेंटेन कर देंगे। अभी तो आप देख सकते हैं कि बची हुई टाइलों के पत्थरों के टुकड़े यहाँ पे पड़े हुए हैं, अभी कोई सफाई भी नहीं कर पाए हैं। यहाँ पे भी हमारा टाइल लगाने का इरादा है। तो कैसा लगा हमारा छोटा सा टाइनी रूम आपको? यहाँ पे काफी हमारा ऐसा सामान जो ना तो यूज हो सकता है और ना ही हम उसे फेंक सकते हैं, वो हम अच्छे से रख सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा बेडरूम है, इसमें पहले पेंट हुआ था और इसके दोनों तरफ टॉयलेट्स हैं। इस वाले की तरफ दीवार में भी टॉयलेट है और इस दीवार पर भी टॉयलेट था बगल में, तो दोनों तरफ से सील आ रही थी इस बेडरूम में और इसका पेंट काफ़ी ख़राब हो गया था, तो हमने इसमें सारे में टाइल लगवाई है। ये देखिए, अगर किसी को ना बताया कि ये टाइल है तो हर कोई ये समझेगा कि वॉलपेपर का इस्तेमाल किया है, परंतु ये टाइल है। और हमारा ये जो आप जाल का एरिया देख रहे हैं, तो इसमें भी हमने नीचे से ऊपर तक सब टाइलिंग वर्क कराया है जिससे कि बहुत सुंदर हो गया है। और इसका फायदा ये भी है, जरा सी धूल मिट्टी होती है हम इसको पाइप लगा के वॉश भी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और इस दीवार पर कंट्रास्ट में हमने टाइल लगवाई है जिससे ये पूरा कमरा टाइल से कवर हो गया है। अब इसमें किसी भी प्रकार का सीलन का हमें कोई डर नहीं है और ना ही पेंट बार बार कराना पड़ेगा, कितना ही महंगा पेंट करा लो वो ख़राब हो ही जाता है। ये देखिए हमने टाइल वर्क कराया है। और यहाँ पे हमारे जो गेट था वो हमने इधर शिफ्ट करा लिया है, इसमें हम स्लाइडिंग डोर लगवाएंगे। और जो गेट की विंडो थी वो हमने नहीं निकलवाई है क्योंकि उसमें बहुत तोड़ फोड़ हो जाती और हमारा फर्श भी ख़राब हो जाता, तो इस विंडो को कवर करने के लिए हम यहाँ पर वुडवर्क करा रहे हैं। अब ये अलमारी बन के तैयार हो गई है, किस तरह का वुडवर्क होगा वो हम आपको आने वाले ब्लॉग में दिखाएंगे। इन सब काम को कराते हुए हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई है, पूरा घर धूल धूसरित हो गया है, हमें ऐसा लग रहा है कि हम खाने में भी धूल मिट्टी खा रहे हैं। घर में रहते हुए काम कराना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, पर क्या करें, कराना पड़ता है। और हम लोग ऐसे रह रहे हैं घर में जैसे कि हम किसी रिफ्यूजी कैंप में रह रहे हों, हमारे कपड़े तक नहीं मिल पा रहे हैं और डेली यूज का सामान भी सब इधर उधर रखा हुआ है। कुछ लोगों के ऊपर के कपड़े मिल गए तो नीचे के कपड़े नहीं मिले हैं, ये ऐसे दिन काट रहे हैं अपना।
ये हमारे किचन का पिलर था, इस पर भी हमने बहुत ही सुंदर टाई लगवाई है, क्योंकि ये आते जाते और काम करते हुए हाथ लगने से भी बहुत गंदा हो जाता था। पहले हम वुडवर्क कराने की सोच रहे थे, लेकिन बजट कम होते हुए हमने अपने वुडवर्क का जो प्लान है वो पोस्टपोन कर दिया है अभी, और उसको टाइल से कवर करा दिया है। इधर सिंक के पास भी हमने सारे में टाइल वर्क करा दिया है। तो दोनों पिलर्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये भी हमें वॉलपेपर का लुक दे रहे हैं। ये देखिए, यहाँ बर्तन मांजते हुए भी बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती थी, जो अब नहीं होगी क्योंकि ये सब वॉशेबल है। और हमारे इन झुमरों को देखिए, ये हर ब्लॉक में हमारे ऐसे तैसे कर देते हैं, इनकी साउंड आपको हर ब्लॉक में नजर आती होगी, और मेरे पास आते ही ये सब चुप हो गए हैं। आज के लिए बहुत शैतानी करते हैं और पूरे दिन लड़ते झगड़ते रहते हैं। ये देखिए, ये हमारा टॉयलेट है जो कि पूरी तरह से रिनोवेट हो गया है। पहले यहाँ फ्लोर वाली जो होती है ना, ये पहले यहाँ पे फ्लोर माउंट की शीट थी और अब ये वॉल माउंट की शीट हो गई है। और हमने जो फर्श था वो भी चेंज करा लिया है, इस पर भी टाइल लगवा ली है। फर्श था वो बहुत गंदा दिखता था और उसकी साफ सफाई करना भी बहुत मुश्किल था पत्थर की, तो अब ये पत्थर के ऊपर ही हमने टाइल वगैरह लगवा ली है। और इसको वेट पोर्शन और ड्राई पोर्शन सेपरेट करा दिया है। और अब हमारे यहाँ पर एक जो ग्लास पैनल होता है वो लगाने के हम सोच रहे हैं, देखिए कब तक लग पाता है। और इस तरह बाथरूम बहुत सुंदर हो गया है, अभी ये साफ सफाई होगी इसकी, अभी कुछ भी नहीं हो पाया है क्योंकि टाइल का वर्क कल ही कम्प्लीट हुआ है। तो दोस्तों, यही था आज का छोटा सा ब्लॉग, हमने जो भी काम कराया है हम आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आपको हमारा क्या जो रिनोवेशन का काम है वो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कल है हमारे योगी जी का बर्थडे, हमें योगी जी के साथ बर्थडे मनाने का जो मौका मिल रहा है उसे आप चूकिएगा मत, कल का ब्लॉग देखिएगा ज़रूर। और कल मिलते हैं योगी जी के बर्थडे पर। धन्यवाद।